अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब के मैदान में लगाए गए 10 दिनों तक चलने वाले शिल्प बाजार का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके संबंध में अजय कांत सैनी ने बताया कि यह कलाकृतियां बहुत ही अद्भुत व आकर्षित कर रही हैं। कलाकारों के लिए यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, उसी तरह के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए ताकि हस्तशिल्पियों की आय में वृद्धि हो सके और हस्तशिल्पी अपनी आय की वृद्धि के लिए नए नए तरीके भी अपनाएं। इसलिए पूरे देश में हस्तशिल्पियों के आय में वृद्धि करने के लिए इस तरह के शिल्प बाजार अनवरत चल रहे हैं ताकि हस्तशिल्पियों के आय के साथ साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना भी जागृत हो सके। उन्होंने कहा, हस्तशिल्पियों के लिए यह एक बेहतर मौका है, इसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं और यह प्रदर्शनी विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं जनता ग्रामीण सेवा संस्थान जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 10 दिनों तक कचहरी क्लब टाउन हॉल गोलघर गोरखपुर में चलेगा। इस शिल्प बाजार में विभिन्न जगहों की विभिन्न तरह की वस्तुएं खरीदने हेतु उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से मुरादाबाद के पीतल, बरेली एवं बस्ती के जरी जरदोजी, भदोही की कालीन, गोरखपुर का टेराकोटा, मधुबनी की पेंटिंग, ड्राई फ्लावर, आगरा का लेदर, लखनऊ का चिकन, बस्ती का जरी, कोल्हापुरी चप्पल, जयपुर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सहारनपुर के वुड कार्विंग, पिलखुआ हापुड़ के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद के गिलास डिजाइन, बिजनौर के लकड़ी के खिलौने, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के हैंड एम्ब्रॉयडरी के सामान, पश्चिम बंगाल के ड्राई फ्लावर, असम के केन एवं बम्बू, बनारस के जरी से बनी साड़ी और सूट, गाजीपुर का जूट क्राफ्ट, निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी, वर्धमान की कांथा एम्ब्रॉयडरी सहित भारत के विभिन्न प्रांतों की उत्कृष्ट एवं आकर्षक हस्तनिर्मित वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प के सहायक निदेशक अब्दुल्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, ऐसा अभी शुरुआत हुई नहीं है पूरी तरह से है। शुरुआत सर और भगवान से पश्चिम बंगाल कढ़ाई है, कांथा कढ़ाई साड़ी बनाने में उनको अगर कोई डिजाइन है तो वहाँ नहीं है। तब रौनक जो है गया एक दो दिन बाकी अभी लाट नहीं किया। हाँ भाई, क्या सूट है नीला भोज ना है नीला भोज ये आपका है ये आपका। अरे वो हर साल जो है कहीं ना कहीं होता रहता है ना, कभी यहाँ ले लेते हैं कभी वहाँ ले लेते हैं, बिकती जुलती चीज़ें जो है चीज़ें कुछ अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये वही मैडम भी यहाँ रस्ते में है बस्ती। अच्छा, आ रहे हैं एक दो दिन बाद उनको आपको आएंगे। लगभग 100 मेला से कम नहीं चल रहा है, तो सबको मार्च अंदर करना कंपलसरी है। अच्छा, महिला ही ज़्यादा है आज इस बार है, इसलिए अलग से जयपुर में ऐसे अलग क्या है।
छोटा पट्टी हैंडवर्क टाई एंड डाई पूरा हाथ से घर तक जाता है। वैसे तो जयपुर जाते रहते हैं कभी कभार, आपको सब जगह के बारे में मालूम है। जयपुर से बहुत लोग यूपी वाले इसको से करते हैं सर। हम लोग जो है 6 पीढ़ी से घूम ही रहे हैं, तो जय है तो मूल से तो जयपुर सही है। हमारे बनारस में बैठते हैं, वहाँ से ये मेहनत जितनी लोग करते हैं ना हिसाब से बाजार में बिकता नहीं है। हाँ बात से हाथ वाला थोड़ा महंगा भी पड़ता है। लोग जो है अपने मंडल में चारों जिलों से है, एक एक नहीं बस्ती संत कबीरनगर से सर है, ये भी संत कबीरनगर है, आगे बस्ती है सर, ये बस्ती का प्रोड्यूसर कंपनी है। कपड़ों के रंग वंग जो है सारी चीज़ें का क्यों कपड़ा अब आप जो तो कपड़े मिलते हैं ट्रेडिशनल है, वही ज़्यादा चलता भी है। मेहनत से सारा थाल वाल जो साइड में इधर खाली यहाँ पे मॉडल टाउन में जो है हर साल जो है इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, और यहाँ लगभग 100 दुकानें हैं जिसमें अभी लगभग 40 के आसपास जो है लोग आ गए हैं, अलग अलग ज़िलों के हैं, और हमारे खासकर मंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल के जो है ज़्यादा शिल्पकार लोग जो है ज़्यादा हैं, वो लोग लेके आए हुए हैं, और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़े खासकर लड़कियों महिलाओं के लिए सूट और साड़ियाँ वगैरह की सबसे ज़्यादा डिमांड भी है, तो वही वो ज़्यादा हैं इस समय। सर कहाँ कहाँ के लोग हैं इसमें और इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? नहीं इस वैसे होता क्या है कि शिल्प के में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जो लोग काम करते हैं उनको इतना प्रॉफिट तो नहीं मिलता, परंतु फिर भी हमारा जो है गोरखपुर में भी इसका प्रचलन है, और अभी भी लोग जो है क्योंकि हम लोग पिछले प्रोग्रामों में भी देखें अच्छी खासी भीड़ आती है, तो जो थोड़ा थोड़ा पैसा भी इनके पास बचता है उसी से ही ये अपना बिजनेस कर पाते हैं। बड़ा टफ काम है क्योंकि एक तो सब इन्हें बार बार अलग अलग 7-10 दिन बाद दूसरी जगह जाने के बाद फिर अगली जगह करते हैं प्रोग्राम, तो इसे मेहनत करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, परंतु हाँ फिर भी है कि अपना रोजी रोटी हो जाती है, बढ़ावा मिलेगा इनसे। हाँ बिल्कुल इससे जो है, और हमारी भी वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है चाहती है कि इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाएं जो है।